डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 7.2 को क्वेश्चंस को अभी हम लोग कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर का अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 तक के डिस्कस किया है। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि 5 क्या बोल रहा है, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1-5 और बी 4-5 को मिलाने वाली रेखाखंड। देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक बिंदु ए है और इस बिंदु का जो निर्देशांक दिया हुआ है 1-5 है और एक बिंदु बी है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है हम लोगों को 4-5। ठीक है, 4-5 कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो बोल रहा है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है। जैसे मान लिया कि एक्स अक्ष काटता है, ये कौन सा अक्ष मान लिया, ये मान लिया सपोज दैट ये है एक्स अक्ष। दोस्तों, अगर कोई अक्ष बोलता है तो अगर एक्स अक्ष यहां काटता है तो एक्स और वाई निर्देशांक 0 हो जाता है। हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर ध्यान से समझिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है हम लोगों को कि ए बिंदु और बी बिंदु से एक रेखा बन रहा है और इस रेखा का निर्देशांक हम लोग दोनों बिंदु का दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि अगर मान लिया कि अगर एक्स अक्ष इस रेखा को काटती है तो जब कभी भी हम बोले हैं कि अगर एक्स अक्ष रहेगा तो उसके वजह से वाई निर्देशांक कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ये एक्स अक्ष है इसलिए वाई निर्देशांक कितना हो गया, 0 हो गया। तो वाई निर्देशांक 0 होगा। अगर मान लिया कि ये वाई अक्ष होता तब ये एक्स 0 हो जाता और वाई का वाई छोड़ देते। लेकिन यहां पे सवाल बोला कि एक्स अक्ष जो है विभाजित करता है, तो एक्स अक्ष विभाजित करता का मतलब है कि वाई वाला 0 हो जाएगा। तो हमें सवाल बोल रहा है कि एक्स का मान निकालिए, एक्स का वैल्यू भी निकालना है और दूसरा बात ये किस अनुपात में बांट रहा होगा। तो मान लिए, माना कि एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना, 1-0 तथा यह के अनुपात 1 में विभक्त कर रहा है, विभक्त कर रहा है। दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई रेखा रहता है और उसको कोई दूसरी रेखा अगर कट करती है तो किसी न किसी अनुपात में कट करती है। हम लोगों ने माना इसको कि यहां से k है और यहां से 1 है, यानी कि k अनुपात 1 हम लोगों ने खुद से माना हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने माना हुआ है। तो अब हम लोग इसका नाम दे दिया जाए p, तो विभाजन सूत्र अब लगाएंगे तो विभाजन सूत्र से पी का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, तो ब्रैकेट m1x2, फॉर्मूला याद रखिए, m1x2 + m2x1 / m1 + m2, m1y2 + m2y1 / m1 + m2। ठीक है, ये तो हम लोगों को फार्मूला होता है। अब जरा दोस्तों हम लोग यहां पे फार्मूला यूज करें तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, जरा बात समझिए। m1 के जगह पे कितना है, m1 के जगह पे k है, ठीक है, और 1 हो गया m2 क्योंकि k अनुपात 1, तो जो भी अनुपात रहता है
वही ना, एम वन और एम टू का मान हो जाता है, तो एम वन का वैल्यू हो गया के और एम टू का वैल्यू हो गया वन। और दोस्तों जो यहाँ निर्देशांक दिया है ये हो जाएगा आपका एक्स वन और ये हो जाएगा वाई वन और ये हो जाएगा आपका एक्स टू और ये हो जाएगा वाई टू, ठीक है। और खुद हम लोग पी का निर्देशांक माने हुए हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक कौन सा है, बिंदु पी ना है तो उसका हम माने क्या है एक्स जीरो, तो इसके नीचे हम एक्स जीरो रखेंगे और इधर सब फार्मूला पुट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इधर से काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, मिटाना ही पड़ेगा, फिलहाल हम इस यहां से मिटा रहे हैं, यहां से मिटा रहे हैं, आप इसके नीचे ही लिखिएगा, आपको कुछ मिटाना उटाना नहीं है, हाँ ठीक है, जगह बना रहे धीरे धीरे। पी का निर्देशांक दोस्तों, तो पी का निर्देशांक हम खुद माने हैं एक्स कॉमा जीरो बराबर फिर से ब्रैकेट इधर, तो एम वन कितना है के इंटू एक्स टू कितना है, एक्स टू यहाँ पे माइनस फोर प्लस एम टू, तो एम टू कितना है भाई वन, एक्स वन कितना है वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू, तो एम वन के जगह पे के और एम टू के जगह पे वन, के प्लस वन कॉमा एम वन वाई टू, तो एम वन कितना है के और वाई टू कितना हुआ फाइव प्लस एम टू, तो एम टू कितना है वन इंटू वाई वन, तो वाई वन कितना हुआ माइनस फाइव, ठीक है, बट्टा में एम वन प्लस एम टू, तो एम वन प्लस एम टू का मतलब कितना के प्लस में वन, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ, तो यहां आपको क्या पता चल रहा है भाई, तो यहां यहां दो चीजें पता चल रहा है, कॉमा के पहले एक्स है और कॉमा के पहले इतना सारा चीज है, तो कॉमा के पहले वाला कॉमा के पहले वाला का बराबर हो जाएगा, कॉमा का बाद वाला कॉमा का बाद वाला दोनों चीजें बराबर हो जाएगा, तो यहां हमें दो चीजें मिल रहा है, पहला क्या कि एक्स बराबर हो जाएगा के को माइनस फोर से माइनस फोर के प्लस वन बट्टा के प्लस वन, ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर एक। और दूसरा क्या मिल रहा है, तो कॉमा के बाद वाला कितना है जीरो और यहां कॉमा के बाद वाला कितना है के को फाइव से गुना करेंगे फाइव के, ठीक है, प्लस वन को माइनस फाइव से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस फाइव बट्टा में कितना के प्लस वन, दैट इज समीकरण नंबर सेकेंड। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब दो इक्वेशन मेरे पास आ गया, दो इक्वेशन मेरे पास आ चुका है और इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम चलना आगे बढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या, दूसरा समीकरण से चलिए और दूसरा समीकरण से चलिएगा तो हम लोग का के का मान निकल जाएगा। तो अब यहां से आपको क्या करना है, समीकरण दो से चलना है, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है जीरो इज इक्वल टू फाइव के माइनस फाइव बट्टा के प्लस वन, इधर जीरो है तो जीरो को जीरो बट्टा एक लिख सकते हैं ना भाई, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो जीरो को इससे गुना करते हैं तो जीरो को किसी संख्या से गुना करते हैं क्या हो जाता है जीरो इज इक्वल टू फाइव के माइनस फाइव को सबको वन से गुना करेंगे तो फाइव के को वन से गुना कीजिए फाइव के माइनस फाइव को वन से माइनस फाइव और ये माइनस फाइव इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू फाइव के। इसलिए दोस्तों अगर के का मान निकालना है तो ये वाला जो गुना है ये चला जाएगा भागा में तो पांच बटा पांच, इसलिए के का वैल्यू कितना हो गया वन। जब के का वैल्यू वन हो गया दोस्तों तो हमको पता चल गया कि अतः जो अनुपात हम लोग माने थे, अनुपात कितना माने थे के अनुपात एक ना, तो आंसर हो गया हम लोगों को एक अनुपात एक, एगो तो आंसर निकल गया एक अनुपात एक।
और एक चीज और माने थे हम लोग, बिंदु। बिंदु कितना माने थे? एक्स जीरो। तो एक्स का तो मान निकालना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि एक्स का भी तो मान निकालना ना है। तो चलिए अभी तक के तो अनुपात वाला आंसर आ गया। फिर हम लोग चलेंगे जैसे दो वाला से चले थे, अब की बार हम लोग चलेंगे कौन वाला से? समीकरण एक से। तो समीकरण एक से चलिए। अब समीकरण एक से जब आप समीकरण वन से चलेंगे तो सवाल क्या है? x इज इक्वल टू माइनस फोर के प्लस वन बटा के प्लस वन इज इक्वल, x इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना आया है दोस्तों? k का वैल्यू वन आया है। k का वैल्यू कितना है? वन। तो माइनस फोर इंटू वन प्लस वन बटा में वन प्लस वन, यानी k के जगह पे कितना रख दिए हम लोग? वन। ठीक है, तो k के जगह पे हम लोग वन रख दिए। फिर यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू माइनस फोर को वन से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया? माइनस फोर प्लस वन बटा में वन प्लस वन, तो वन प्लस वन को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? टू। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग क्या जानते हैं कि इस x को x बटा वन भी तो लिख सकते हैं, इस x को x बटा वन भी तो लिख सकते हैं। और अगर इसको अच्छा से लिखें तो x बटा वन इज इक्वल टू माइनस फोर और प्लस वन कितना हो गया? माइनस थ्री बटा में टू हो गया ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x को टू के साथ तो टू एक्स, माइनस थ्री को वन के साथ माइनस थ्री, इसलिए दोस्तों x का वैल्यू कितना हो गया? माइनस थ्री बटा में टू। ठीक है, तो अब x का वैल्यू हम लोगों को माइनस थ्री बटा टू हो गया। तो अतः जो बिंदु हम लोग माने थे कितना? x कॉमा जीरो, तो वो अब बिंदु हम लोगों को कितना मिल गया है? x के जगह पे रख देंगे माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो। तो कुल मिलाकर हम लोगों का आंसर हो गया माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो, और अनुपात हो गया हम लोगों को एक अनुपात एक। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर सिक्स देखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि बिंदु क्या बोल रहा है? यदि बिंदु वन टू फोर वाई एक्स सिक्स थ्री फाइव इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो ज्ञात कीजिए। किसका वैल्यू? एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल देखिए, बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो समांतर चतुर्भुज वैसी चतुर्भुज होती है जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने की भुजा समांतर हो। जैसे इसका फिगर कैसे बनेगा? ये समांतर एक किरण खींचा, दूसरा किरण खींचा और इसके समांतर ये हो गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये समांतर हो गया। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया हम लोगों का, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है? समांतर है। ये वाला समांतर है इसके और ये वाला समांतर है इसके। अब चार यहां पे बिंदु दिया है तो चारों का हम यहां पे नाम पुट कर देते हैं। फिलहाल नाम तो वहां दिया नहीं हुआ है, हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है और शुरू वाला का जो निर्देशांक दिया है वो वन टू दिया है, तो ए का मान लिया वन टू। फिर उसके बाद क्या है? तो फोर वाई, तो बी का मान लिया फोर वाई। ठीक है, फिर है सी, सी कितना है? एक्स सिक्स, ये हो गया एक्स कॉमा सिक्स। फिर डी है, इसका हो गया थ्री फाइव।
ठीक है। तो ये चार बिंदु से बन रहा है हम लोगों का समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज है, अब इसमें बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है ये वाला बिंदु, तो शीर्ष ना दिखाया है ए बी सी डी। अब अगर शीर्ष होगा तो हम लोगों को x और y का मान निकालना है। यहां पे लिखेंगे दिया है बिंदु ए कितना कितना 1 2 कॉमा बी कितना 4y कॉमा सी कितना x6 कॉमा डी कितना 3 5 3 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है। तो हमें यहां से x और y का वैल्यू निकालना है। फिर लिखिएगा हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मध्य बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, मध्य बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। देखिए अब एक गुण होता है समांतर चतुर्भुज में कि जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को मिलाया जाए, ठीक है, विकर्ण का मतलब होता है तिरछा तिरछी, और इसको भी अगर मिलाया जाए दोस्तों, ठीक है, तो जब अगर मिलाया जाए तो दोनों बिंदु जहां पे कट करती है एक दूसरे को काटती है, जैसे मान लिया कि यहां पे P पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो P हम लोगों को क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मध्य बिंदु। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं इस रूल को, इस नियम को, कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो दोनों विकर्ण एक दूसरे पर कटता है वह क्या कहलाता है, तो मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो जब मध्य बिंदु कहलाता है तो हम लोग यहां से एक और रूल्स को लागू कर सकते हैं, यानी कि इस सिचुएशन से हमें पता चल गया कि P क्या है, मध्य बिंदु है विकर्ण का, AC विकर्ण का भी मध्य बिंदु हुआ, और यही P BD विकर्ण का भी मध्य बिंदु हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे मध्य बिंदु का, यहाँ पे P जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये पता चल गया कि P क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब P मध्य बिंदु है तो हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक तो सीखे थे ना कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो चलिए हम लोग निकाल लगाते हैं, क्या लगाएंगे यहां पे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो P जो है कॉमा AC का भी मध्य बिंदु है, P AC का मध्य बिंदु है तथा पी, यही पी जो है बीडी का भी मध्य बिंदु है, तथा पी जो है बीडी का भी मध्य बिंदु है, ठीक है, दोनों का मध्य बिंदु है। तो पी जो है एसी का भी मध्य बिंदु है और पी जो है बीडी का भी मध्य बिंदु है, तो दोनों को अगर मध्य बिंदु है दोस्तों, तो यहां पे हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं, P जो है AC का मध्य बिंदु है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि AC का मध्य बिंदु है तो यहां x1 यहां x2 यानी कि 1 प्लस x बटा में 2 कॉमा y1 हो गया 2 और यहां 6, तो 2 प्लस 6 बटा में 2 इज इक्वल टू
पी जो है बीडी का मध्य बिंदु है, तो यहां पे एक्स वन हो गया 3 और यहां हो गया 4, तो 3 + 4/2 कॉमा यहां हो गया 5 और यहां हो गया वाई, तो 5 + y/2। ठीक है, तो यहां पे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का दोनों इक्वल क्यों किए, क्योंकि दोनों तो मध्य बिंदु ही है ना, एक बीडी का मध्य बिंदु है एक एसी का मध्य बिंदु है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। हम इसको जरा अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं, 1 + x/2 कॉमा 2 और 6 को जोड़िए कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 3 और 4 को जोड़िए 7 और बटा में कितना 2, तो उसको 7/2 छोड़ दीजिए कॉमा 5 + y/2। हम लोग अभी क्या सीखे कि अगर दोस्तों दोनों तरफ ब्रैकेट रहे मतलब कि निर्देशांक रहे तो कॉमा के पहले वाला के बराबर हो जाता है और कॉमा के बाद वाला के बराबर हो जाता है। तो हम लोग वैसे ही सिचुएशन को यहां पे फॉलो करेंगे, तो देख पा रहे होंगे कॉमा के पहले वाला यहां पे कितना है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहां पे कॉमा के पहले कितना है 1 + x/2 और बराबर होगा यहां पे कॉमा के पहले कितना है 7/2, तो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो जब दोनों इक्वल होगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये तिरछा तिरछी गुना होता है यहां पे तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर 2 को x से गुना करेंगे 2x बराबर 7 को 2 से गुना करेंगे 14। इससे चलते चलते आप x का वैल्यू निकाल लेंगे तो एक वो आंसर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना, इससे चलते चलते आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। हमें सवाल में बोल रहा था कि आप x भी निकालो और y भी निकालो, तो हम लोग इससे चलते चलते x निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, तथा हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉमा के बाद वाला और ये कॉमा के बाद वाला दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो यहां के कॉमा के बाद में कितना है 4 बराबर यहां के कॉमा के बाद में कितना है 5 + y/2 और यहां बटा में 1। हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना होगा 4 × 8 बराबर 5 + y/1 तो 5 + y। अब इससे चलते चलते आप y निकाल लीजिएगा, तो x का वैल्यू निकल गया y का वैल्यू निकल गया, तो हम लोगों का ये आंसर हो गया। ठीक है, यानी इस सवाल में बोल रहा था कि आप x का भी वैल्यू निकालिए और y का भी वैल्यू निकालिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहे हैं जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़िए, बोल रहे हैं बिंदु ए जो है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है। देख लो भाई, हम लोग 7वां नंबर सवाल में एक वृत्त बनाने वाले हैं। जैसे मान लिया कि एक ए बी क्या है, वृत्त है। ठीक है, ए बी एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र मान लिया कि ये है, ओ केंद्र है, या फिर कोई भी केंद्र है, भी केंद्र का नाम पता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग व्यास किसको कहते हैं दोस्तों, तो किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है ना उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा कौन है, तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा ये हो गया। तो इस रेखा को हम लोग बोल देंगे क्या, इस रेखा को हम लोग बोलेंगे व्यास। ठीक है, तो अब व्यास का नाम क्या है यहां पे, ए बी। सवाल में खुद बोला है कि किसी भी वृत्त का जो है ना हम लोगों को यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास कौन सा दिया हुआ है भाई, तो व्यास का नाम है ए बी। तो यहाँ ए बी एक व्यास हो गया, और फिर क्या बोला कि ए का निर्देशांक हमें पता करना है,
कोमा ये वाला और ये वाला निर्देशांक पता करना है, जबकि जबकि जिसका केंद्र हमें दिया है 2-3। देखिए केंद्र दिया है 2-3, ये केंद्र दिया है, केंद्र को हम मान लेंगे ओ, ठीक है। फिर और क्या बोला है, तथा बी का निर्देशांक जो है दोस्तों 1.4 है, 1.4 है। तो मान लीजिए दोस्तों कि हम लोगों को यहां वाला ए का निर्देशांक मान लीजिए कि एक्स और वाई है, ए का निर्देशांक क्या मान लिया, एक्स और वाई। यहां पे लिखो, माना कि ए का निर्देशांक एक्स वाई है, ठीक है। निर्देशांक कितना है दोस्तों, एक्स वाई। तो जब ए बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई हो गया, ठीक है, तो जब एक्स वाई हो गया तो हम लोग, ये तो केंद्र का निर्देशांक है, तो जरा आप समझो कि त्रिज्याएं क्या होती है, हमेशा त्रिज्या बराबर होती है। तो जब ए ये वाला एओ त्रिज्या ओ बी त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब ओ एक मध्य बिंदु ना हुआ, ए बी का ओ जो है मध्य बिंदु हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं मध्य बिंदु ब्रैकेट में ओ बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या पढ़े हैं हम लोग, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पढ़े हैं x1 + x2/2। तो x1 के जगह पे x है, प्लस यहां पे हो गया 1/2, कॉमा y1 + y2। तो यहां y1 कितना है, y प्लस वाई टू, तो वाई टू कितना है, 4/2, ठीक है। अब यहां पे तो हम लोग एक तरफ मध्य बिंदु का मतलब बीच में, और बीच का हमें कितना दिया है, तो 2-3 बराबर x + y1/2, y + 4/2। अब इसके बाद तो आपको पता चल रहा होगा, इस सिचुएशन से हमें x का भी वैल्यू निकालना है और y का भी वैल्यू निकालना है। आप कीजिएगा क्या, दो समीकरण बनाइएगा, एक समीकरण कॉमा के पहले वाला, कॉमा के पहले वाला को बराबर कर दीजिएगा तो उससे x का मान निकल जाएगा, और कॉमा के बाद वाला -3 है उसको y + 4/2 के बराबर कर दीजिएगा, तो इस तरीके से इससे x निकल जाएगा और इससे y निकल जाएगा। तो जब x और y का मान निकल जाएगा तो आप उसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिएगा और हमें अब आंसर मिल जाएगा। यानी कि करना क्या है दोस्तों, हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, और एक्स वाई का वैल्यू कब कैसे निकलेगा, तो हम लोग कॉमा के पहले वाला, जैसे कि अभी कर रहे थे, कॉमा के पहले वाला का इक्वल कर दीजिएगा, यानी कि इसके बराबर, इसके बराबर ये वाला कर दीजिएगा, और इसके बराबर -3 को लेकर छोड़ना नहीं है, ये -3 है ना, तो -3 के बराबर इसको कर देंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, इसको इसको, तो y निकलेगा, और इसको इसको बराबर करेंगे तो x निकलेगा, और x का जो वैल्यू निकलेगा और y का जो वैल्यू निकलेगा उसको एक ब्रैकेट में एक साथ लिख देंगे तो हम लोगों का वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जब x और y का वैल्यू निकलेगा तो a का निर्देशांक पता चल जाएगा, x के जगह पे इतना डाल दीजिएगा, कॉमा y का जगह पे, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा, जैसे कि अभी हम लोग पिछले सवालों में कुछ किए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है, ए और बी क्रमशः 2-2 - 2 और 2-4 हो तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि एपी जो है 3/7 ए बी के बराबर है, और पी रेखाखंड
एबी पर स्थित है। दोस्तों यहां पे सवाल क्या बोल रहा है, एक रेखाखंड है और एक रेखाखंड का बिंदु ए है और एक रेखाखंड का बिंदु बी है, दो बिंदु है ए और बी। दोस्तों ए के बारे में बोला कि ए का निर्देशांक जो है वो -2 और -2 है, जबकि एक बी है उसका हम लोग को निर्देशांक 2, -4 दिया हुआ है, 2, -4। फिर क्या बोला कि इस रेखाखंड पर पी एक बिंदु है, पी एक बिंदु है इसी रेखाखंड पे। अब हमें पता नहीं है कि पी है कहाँ, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर पता है दोस्तों कि पी बिंदु जो है कहीं ना कहीं एबी पर है। हम मान लिया कि पी बिंदु यहां है, ठीक है, पी बिंदु यहां पे है। अब सवाल में हमें क्या बोला है, सवाल में हमें दिया है, क्या दिया है, एपी का मान दिया हुआ है। एपी का मान कितना दिया है, 3/7 AB, 3/7 AB, ठीक है, यानी कि एपी का जो वैल्यू है वो 3/7 AB है। दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि जो एपी का वैल्यू यहां से यहां तक दे दिया है, तो हम लोग बीपी का वैल्यू दिया जाता तब ना हम लोग का अनुपात पता चलता। अनुपात का मतलब कैसे, जब एपी का मान दिया रहता, पीबी का मान यहां दिया रहता, तब ना उसको M1 बोल देते, इसको M2 बोल देते, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा सवाल दिया है, ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एपी का तो मान दे दिया तो आप बीपी निकालिए, तो बीपी इज इक्वल टू, चाहे बीपी को हम लोग पीबी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको पीबी भी बोल सकते हैं। तो जब हम लोग एपी का वैल्यू दिया हुआ है तो पीबी भी निकाल सकते हैं, तो पीबी कैसे निकालेंगे दोस्त, तो पीबी इज इक्वल टू, ये जो पीबी है ना, ये पीबी जो है पूरा में से, अगर पूरा एबी रेखा खंड में से एपी को अगर घटा देंगे तो बीपी नहीं बचेगा। जरा ध्यान से सोचिए, ये सब जो है ना कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज भी होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज भी होते हैं दोस्तों। जैसे हम लोगों का तो एपी दिया हुआ है ना, तो हमें पीबी निकालेंगे तब ना दोस्तों, तो पीबी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से यहां तक का मान निकालने के लिए टोटल में से, टोटल का नाम एपी है, एपी में से अगर एपी को हटा लेते हैं तो मेरा पीबी बचेगा, यानी कि पीबी बराबर लिख सकते हैं AB - AP, और इसको हम लोग एबी बटा कितना लिख सकते हैं, 1 - AP का वैल्यू दिया है 3/7 AB, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, 7, 1 से 7 बार में कटेगा तो यहां होगा 7 AB, -7 से 7 बार में कटेगा यहां हो जाएगा 3 AB, ठीक है। अब आप देखिए, तो 7 में से 3 गया, कितना बच गया, 7 में से 3 गया 4 AB बटा में 7, ठीक है, ये किसका मान हो गया, पीबी का, ठीक है। तो जब एपी का वैल्यू हमें सवाल में दिया था और पीबी का वैल्यू हम लोगों को आया 4 AB / 7, तब हम लोग अब कैसे करेंगे, उसके बाद इधर लिखते हैं फिर से, आप लिखिएगा अब अनुपात, किसका किसका अनुपात, तो M1 M2 ना, यानी कि यहां होगा एपी अनुपात पीबी, इसी को हम लोग अनुपात को लिख सकते हैं AP/PB दोस्तों। और एपी का वैल्यू हम लोगों को दिया है, कितना दिया है एपी का, तो सवाल में दिया था 3/7 AB, ठीक है। और यहां पीबी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4/7 AB दोस्तों। तो हम लोग देख पा रहे होंगे
कि एबी से एबी तो कट रहा है, नीचे वाला सात है, नीचे वाला सात है तो सात से सात कट रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, तो अब हम लोग थ्री तीन बटा चार बच रहा है, और इस तीन बटा चार को हम लोग तीन अनुपात चार बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमें एपी का वैल्यू आ गया तीन और पीबी का वैल्यू आ गया चार, जिसको हम लोग तीन अनुपात चार भी बोल सकते हैं। तो जब आपको यहाँ सब कुछ पता चल गया अब, तो विभाजन सूत्र लगा दीजिएगा, यानी कि यहाँ आपको क्या क्या पता चल गया, तो यहाँ आपको पता चल गया एक्स वन कितना माइनस दो, वाई वन कितना माइनस दो, एक्स टू कितना टू, वाई टू कितना वाई टू माइनस फोर, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, और एम वन का मान कितना पता चल गया तीन, और एम टू का वैल्यू कितना पता चल गया चार। दोस्तों अब लगाइएगा विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र से पी का निर्देशांक आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो पी का निर्देशांक आप विभाजन सूत्र से निकालिएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर ये चीज देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पता चल रहा है एम वन एक्स टू बट्टा में एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू, यानी कि विभाजन सूत्र लगाइएगा, सब फार्मूला में सबका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, सबका मान रखिएगा, और हमेशा ब्रैकेट में ही आंसर करना है, क्योंकि जो निर्देशांक होता है ना वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, और जो जो क्वेश्चंस को अधूरा हम छोड़े हैं वो आपके लिए जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को आज के लिए समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।